अपने घर की। करोड़ की उपमहाद्वीप से आ टकरा है, जिससे आसपास के पेड़ पौधों पर वकांडा, ये पांचों कबीले जड़ी बूटी तक ले गई जिसका आकार दिल की तरह था। इस जड़ी हिलाया ब्लैक पैंथर, वकांडा का रक्षक। वाइब्रेनियम का इस्तेमाल करके वकांडा का विज्ञान नाश से जूझ रहे थे। वह सामने ना आए, हम अभी भी छुप। मैं और वो दोनों ट्विंस यहाँ पहुंचेंगे, हम ये कार पीछे छोड़ देंगे। ओके, बाहर दो लड़कियां हैं और वो शाहकार की बेटियां लगती हैं। एकांत, ये जेम्स है, मेरा वफादार दोस्त। तो लग जाओ छोटे भाई। बस्त के आशीर्वाद से मैं ठीक हूँ। वकांडा कैसा है? यूलिसिस क्लॉ जाने चली गई। वो जानता था वाइब्रेनियम कहाँ छुपाया है। तो मुझसे आंख मिलाकर कहो कि तुमने वकांडा के साथ हो। ज़ूरी, बधू का बेटा। क्या? छोड़ो उसे। तुमने हमसे, तू असल में वकांडा वासी है और ये सच्चाई हमने यहाँ भेजा है। राजकुमार अंजोबू, आ जाओ। राष्ट्र वकांडा अपने सम्राट टिचाका की मृत्यु पर शोक में डूबा हुआ है। दुनिया के सबसे गरीब देशों में होने के बावजूद पर्वत चोटियों रहा है कि सिंहासन का उत्तराधिकारी बनेगा सम्राट के दोनों बच्चों में से। बस उसे देखते ही फ्रीज मत हो जाना। क्या? देखो जरा, कुछ नहीं, गाड़ी खराब हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही। अपनी अपनी जगह, आपको बोला अपनी जगह ले ले। सबको होशियार कर दो। हो यहाँ तुमने मेरा मिशन। मैं चाहता हूँ कि तुम भी वहां रहो। इस लड़के को साथ ले जाओ और इसके कबीले तक पहुँचा देना। शुक्रिया। तुम लोगों ने जो देखा उसे भूल जाओ। हाँ। आ गया। हमेशा ही शानदार लगता है। राजकुमारी, मेरी हमदर्दी आप दोनों के साथ है। शुक्रिया नाथ की तरह। हो गया तुम्हारा मिलने आई? तुम्हें ऐसा लगता है? मैं तो ईएमबी बीच के लिए आई हूँ। मैंने एक अपडेट। तुम मुझे सिखाओगी? तुम खुद क्या जानती हो? तुमसे तो ज्यादा ही। सॉरी माँ, तो आज वो हमारे साथ है और अब वक्त। गुड मॉर्निंग। बहुत खूबसूरत है ये वाला का और ये वाला बेनिन के। इसके बारे में कुछ बताइए। और ये भी बेनिन से। इनसे ब्रिटिश सिपाही इसे उठा ले गए थे, लेकिन ये वकांडा का है और ये बना है। ये बेचने के लिए नहीं है। क्या लगता है तुम्हारे पुरखों को ये कैसे मिला? जब से अंदर आया हूँ तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड्स मुझ पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई है। मदद करो, यहाँ आओ, डॉक्टर बुलाओ प्लीज। मैं जरा अभी आई। किसी को कुछ बताना मत। हाँ? तभी तो हम नौ सीखे लगेंगे। जितना जल्दी हो सके बेच डालो। ये कब कब एक जगह है। तुम मत कहना कि ये भी वाइब्रेनियम है। ना बस दिल आ गया। टिचाला, ब्लैक पैंथर, शक्तियां वापस खींच ली जाएंगी पूरी तरह से। पुरखों की जय। साथ अगर कोई कबीला अपना योद्धा मैदान। व्यापारी कबीला, दरिया कबीला, दरिया कबीला। परिवार में कोई ऐसा है जो सिंहासन की हाइट है, तो ये सब फटाफट खत्म करके घर नहीं जा सकता। ये कहना पड़ रहा है कि तुम्हारा विज्ञान तुमने एक। और अब तुम लोगों ने इस युवराज को पूरा देश सौंप। बाकू जवारियों का सरदार तुम्हें। इतना ही ना ताकत ना पंजा। कौन हो? T'Challa, Zuri, महाराज, वकांडा की जय हो। ये जीवन बूटी टिचाका। क्या हुआ बेटा, ये सम्राट बनने की तैयारी नहीं की क्या? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था बाबा। नाते अगर मैं तुम्हें मेरी मृत्यु के लिए तैयार नहीं कर पाया तो पता ही, बिल्कुल आपकी तरह तुम्हें संघर्ष है और अच्छे इंसान के लिए सम्राट बनना आसान नहीं। सांस लो, सांस लो। सिर्फ एक घर में ही तो हूँ। रुक जाओ ना। चुका है। इतने लोगों को मेरी जरूरत है, मैं उनसे मुंह नहीं मोड़। क्या मदद कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता है। हम दूसरे देशों की तरह नहीं है ना किया, और खुद की सुरक्षा दोनों एक साथ ना कर पाए तो ही। देवी बस्त की जय हो। यह अभी और बड़ा होगा क्या? दूसरे देशों की मदद, रेफ्यूजीज के लिए काम। तुम रेफ्यूजीज को अंदर लाओगे, मैं और मेरी फौज चाहिए ताकि तुम दुनिया की। तुम्हें भी? हाँ, आप सोच भी नहीं सकते कि कौन हमारे हाथ लगा है। खबर के मुताबिक यूलिसीज क्लॉ हमारे हाथों से बचता आ रहा है पिछले कुछ 30 सालों से। कांडा को अभी किसी योद्धा की जरूरत नहीं, उन्हें उसने हमसे सब कुछ छीन लिया। मोती यहाँ है वकांडा को संभालने के लिए। मेरी भी एक गुजारिश है, उसे मैं जरूर लाऊंगा किसी भी हाल में। अपने साथ किसे ले जाना चाहोगे? ओकोये। डरो मत, कुछ नहीं होगा। अनलिमिटेड रेंज, और हाँ इसमें मेरी सैंड टेबल के इंटरफेस से डायरेक्टली अपडेटेड। हाँ, तुम्हें मेरी शाही सैंडल्स पसंद नहीं आई? पहला दिन है, सोचा थोड़ा। फुल्ली ऑटोमेटिक, वो पुरानी। सोचो इसका नाम क्या है? शोरगुल। और बेस्ट टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन ए लेता हूँ। आप जिससे मैं किसी की नजर में ना आ पाऊं। ये एक्टिवेट करो, मारो कहीं भी। मैंने तुम्हें अपने लैब में बुलाया और तुमने तोड़ फोड़ मचा दी। तुम्हें इसे थोड़ा और साथ उसे छोड़ते हैं। बहुत बढ़िया मेरे भाई। हो जाए और ये घोंसला मेरे सर से हट जाए। अच्छा तो लग रहा है पिया, कैसा चल रहा है सब? तो डर सता रहा है मुझे कि ये तुम्हारे दोस्त है। शुक्रिया तुम्हारा। फैल जाओ, खरीदार यहीं कहीं होना चाहिए। इतनी डरी हुई क्यों थी? किस बात का डर था उसे? काबू रखिएगा केनिया की राजकुमारी जी। चाहती तो वही हूँ। एक्सक्यूज मी, मेरे लिए एक ड्रिंक बनाएंगी प्लीज? सावधान। 5 पीछे जो 2 पप्पू खड़े हैं उन्हें कैसे? ये मैं अपनी यूएस गवर्नमेंट को बताऊंगा, तुम्हें नहीं। और तुम जो तमाशा करने आए हो, घूमता रहता है। हिसाब बराबर हो चुका है, शायद तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। अब तुम्हारे यहाँ से 3 की 4। ए, तुम जीत गए। पे लिखा है मरने वाले का नाम। तुम मुझसे कितना भी पूछो लेकिन मैं तुम्हें ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि मैं वाइब्रेनियम के साथ। मुझे तो लगा था हथियार यहाँ अंदर नहीं ला सकते। हाँ अंदर लाना सख्त मना। बनके एल्बम निकालने का सोचा है? ओ हाँ, एक्चुअली सही बात। तुझे लगता है तेरे लिए? हमें घेर लेना चाहिए क्लाउ को। ठहर जाओ, यहाँ गोली बार। Well, hey, hey, कमाल है यार। मैं जादूगर हूँ, मजा आ गया। चलो 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 जल्दी से। रिमोट ड्राइविंग सिस्टम एक्टिवेटेड। वेट, कौन सी गाड़ी में है? ए, खा जाओ। कट है। Got you ass beat up on the bike. Hey, ये क्या था? इसकी फिक्र मत करो। ये क्या कर रही हो तुम कहाँ? सूट देखो, तुमने जितनी गोलियां खाई हैं ये उतना ही। कहाँ गया वो नौटंकी? वो रहा वहाँ। और तेज शुरू। जितनी रफ्तार बढ़ा सकती हूँ बढ़ा रही। Come on guys, चलो यहाँ से। Hello. Duva. हमारी पूछताछ खत्म हो जाएगी, हम इसे वापस वकांडा ले जाएंगे। क्या? नहीं देखो। उकुबा उपिंडी वाकुकु। मैं अंदर जा रहा हूँ, जब मेरा हो जाए। इसे कहते हैं राजनीति। वकांडा वालों का भरोसा मत करना, मैं हूँ तेरा असली दोस्त। मैं सिर्फ अपना काम करती। तो मैं तेरे लिए भी ला सकता हूँ। क्यों ना तुम अपने सप्लायर का नाम बता दो, मैं उससे ले लूंगा। सही पकड़े हो। आखिर जान दिखावा है। कई अरसे से जगह खोदी जा रही है, एल्डोराडो। विज्ञान का चमत्कार। दरअसल ये देश जिस मिट्टी पर, हाँ, सबसे शक्तिशाली धातु। ये सिर्फ धातु नहीं है, ये लोग उसे मेरा बाजू बंदूक उसके सामने छोटी सी पिचकारी लगता है। तेरी का मैंने तो समुद्र में से बाल्टी भर पानी निकाला है, बस। बाहर की दुनिया से मैं ही के पंजे किसके बने हैं? तुम्हारे पिता ने हमें ये बताया था कि बचा वहाँ पीछे कुछ तो गड़बड़ है। आते आते बहुत देर कर दी हुजूर। भाग गया वो। इसका बच पाना मुश्किल है, गोली सीधे रही। अभी के लिए इससे काम बन जाएगा। चले जाने दो, हम इसे बचा सकते हैं। हम क्लॉ को लाने गए थे, गोली खाई है मेरे लिए, वो इसकी मर्जी थी। तो तुम क्या चाहते? आप सम्राट हैं, आपका काम है अपने देश की सुरक्षा। अच्छी तरह जानता हूँ। आखिर इसे कहाँ ले जाने वाले हैं हम? बहुत मजा आने वाला है। वकाबी आया है। क्या बात है दोस्त? हाँ, क्लॉ नहीं दिख रहा, बच निकला। तुमने भी निराश किया मुझे। हर बार CIA कोई बेचते हो? नहीं, जो ज्यादा दाम नहीं है वो तो तुम दे ही दोगे। बस वापस लौटते हुए हमें वकांडा जरूर छोड़ देना। किलर सॉरी यहीं खत्म कर दूंगा। बंदूक नीचे फेंक। अरे तू सच में वकांडा जाना चाहता है? जितने निशान उतनी लाशें। जैसा सोच कर गए थे वैसा हुआ नहीं। आज मेरा किसी से सामना हुआ, उसके पास हमसे छीन कर ले गया और उसने यही छल्ला पहना था, मेरे दादाजी का छल्ला। सच तुमसे। क्या हुआ उनके साथ? मैंने सम्राट को वचन दिया था कि चुप रहूंगा। अमेरिका के एक खुफिया वो, उस पे नजर रखने के लिए मेरी पहचान छुपा। जो मुसीबतें आई उन्होंने तुम्हारे चाचा को पैरों की लत लगा दी जाती है। बात बात पर हमें काल कोठरी में ठूस दिया जाता है। देश का तख्ता पलट सकते हैं और ईमानदारी से उन पर हुकूमत कर सकते हैं। नहीं, उसने वाइब्रेनियम चुराने में क्लॉ की तुम्हारे गुनाहों का फैसला करेगी। और उसने मुझ पर बंदूक को मार डाला। मेरी जान राज रहे। सामने ना आए। तुमने तो डरा दिया मुझे। घुसपैठिए। घुसपैठ? मेरा नाम एवरेट। कोरिया से कब आया? कल। मुझे नहीं लगता, क्योंकि गोलियों के घाव। और नहीं तो क्या? हाँ, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। कच्चे वाइब्रेनियम को इस तेजी के साथ ट्रांसपोर्ट करना। वाइब्रेनियम तो हमारे चारों तरफ है, उसी से तो। सम्राट टिचाला कहाँ है? उनके किमोयो बीच राजमहल की ओर आ रहा है। हमें जल्द से जल्द तुम्हारे भाई को ढूंढना होगा। उन्होंने अपने सगे भाई को मार दिया और बच्चा। कौन सा इंसान ऐसा करता है? गलती किसी से भी हो सकती। चाचा अंजूबू ने तो गद्दारी की, लेकिन जो बाबा ने किया। तुम्हारे बाबा की गलतियां ये तय नहीं कर सकते हो। कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, वहां से MIT चला गया, फिर SEAL बन गया। ये लोग बेहद खतरनाक हैं। इनका न कोई नाम है न कोई पता है, बस इनका। बस हम और कुछ नहीं जानते। कोई बताएगा बात क्या है? मैं तुम्हारे देश में खड़ा हूं। अब बताओ तुम क्या चाहते हो? अच्छा लगता होगा ना? और वो ताकत कौन सी है? वाइब्रेनियम। वकील या जल्लाद बन के दूसरों का इंसाफ करना हमारा काम नहीं है। हूं तो सिर्फ वकांडा का। और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं। हमने बहुत सुन ली इस धोखेबाज की बकवास। ठुकरा दो उसकी मांग और वापस। एजेंट एक हत्यारा, जिसका दूसरा नाम है किल मॉन्गर, यही सच्चाई है। ले जाओ इसे। उंगवा के सीने में चीते का पंजा पाया। तुम एक सम्राट की संतान नहीं, खूनी क्यों? क्या तुम सच में अंजोबू के बेटे हो? हाय आंटी, और ब्लैक पैंथर की भी। कोई हक नहीं है यहाँ। मुकाबले की तैयारी में कई हफ्ते लग जाएंगे। हफ्ते? टिचाला। अब आखिरी मौका दे रहा हूं। न्याय की सब इसी दिन की तो, और मैंने अपने भाई और बहनों को भी जान से मार दिया। तुम्हारे पिता की मौत का जिम्मेदार ये नहीं। ये तुम्हारी रक्षा करेगा। राजमाता और शूरी दोनों सुरक्षित हैं। नहीं आ सकती। तुम अपना देश ऐसे इंसान के हाथों में कैसे? तुम वकांडा की सबसे महान और किया। मैं कोई किराए की जासूस नहीं जो हमारी वफादारी किसके साथ है अपने देश की नहीं। मैं रक्षा करूंगी अपने देश की। क्या हुआ? सम्राट मर चुके हैं। पहले बाबा भी नहीं पाए। दोस्त है, इसने मेरी जान बचाई थी। ओ कोई कहाँ है? यही रुकिए। जीवन बूटी तुम्हें ब्लैक पैंथर की शक्ति याद देगी। मैंने तुम्हें एक चाबी दी थी कि शायद कभी तुम्हारे काम आए। तुम्हारे लिए वो दरवाजे खुले। यहाँ तो रोज की बात है। पहले तुम्हें वापस ले जाना चाहिए था। शायद आपके अपने ही लोग कहीं खो गए हैं। ये इसी जीवन बूटी का सर है। आग लगा दो इस पूरे बगीचे को। सम्राट हमेशा हम लोगों के पास हथियार थे न अपने दुश्मनों से लड़ने की ताकत। ये कहानी आज खत्म हो जाएगी। हमारे जासूस दुनिया के हर देश में ये वाइब्रेनियम के हथियार हम अपने वॉर डॉग्स को भेजेंगे। वो पूरी दुनिया करे। अब वो जानेंगे कि हम क्या हैं। हम योद्धा साम्राज्य का। सदियों से वकांडा का वजूद कायम है, लेकिन अब जमाना बदल रहा है जनरल। सभासदों और मैं मालिक बन के रहना चाह रहे हैं। हम जीवन बूटी लेकर जबारी राज्य जा रहे हैं। जीवन बूटी? फौज भी नहीं है, मैं इसकी हिफाजत नहीं कर सकती। अरे यार, शांत रहिए। शुरू। था? हाँ, पर तो फिर उसे हत्या नहीं, हार के हमारे घाव को कुरेदने। अरे काका, इतना ही कर सकता। दोबारा मुंह खोला तो मैं तेरी बोटियां। ये है हमारे आने की वजह। नामुमकिन है। एक मछुआरे को ये बेहोशी की हालत में नदी किनारे मिला और वो उसे 2 सेकंड में मर जाएगा। ना किया ईश्वर को आवाज देती हूँ कि मेरी बेटी टीचाल। अमाकू अमाकू अमा। बेटे, कि तुम घर लौट आओ और हम एक साथ मिलकर रहें। क्यों बाबा? वो मैंने अपने लोगों को चुना। वकांड पूरी दुनिया की तरफ पीट करके खड़े हो गए और नहीं पर है। मैं चैन से नहीं बैठ सकता। वो गलत को सही करना जरूरी है। किसी के पास रजाई है? जीवन बूटी का पूरा बगीचा जला डाला। जब सरकारें बदल रही होती, जैसे चुनावों में या किसी सम्राट के मर जाने पर, सरकार वो हमारे हथियार पूरी दुनिया में बांट देंगे। टिचाला, हम कहीं नहीं जाएंगे वकांडा। मिलाकर उसका साथ दूंगी मेरे भाई। हो गया तुम्हारा? जान के बदले जान, कर्ज उतर गया। मुझे तुम्हारी सेना की भी जरूरत पड़ेगी। हाँ, पड़ेगी तो जरूर। हम सब का मकसद है। हम सब का? सम्राटों की बात नहीं कर सकता, लेकिन फिलहाल एक दुश्मन हमला कहां बोलेगा। और हांगकांग में बिल्कुल तैयार है। पहले वही हम की पकड़ से बाहर। ऐसी हजारों हैं हमारे पास। कैसे हो? मैंने अब तक हार नहीं मानी। जल्दी जहाज उड़ाओ, मिशन शुरू करो। चलो, अभी खत्म नहीं हुआ। तुम्हारा दिल नफरत से भरा है। तुम सम्राट बनने के लायक। व'काबी, ऐसे बंद करो। पायलट थी, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें गाइड करती रहूंगी। ये बिल्कुल हवाई मोटरसाइकिल। जाओ। Remote piloting system active. फिक्र मत करो। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। देखो सम्राट नहीं बन सकते। शूरी समझ गई। तुम्हें मारने के लिए मुझे सूट की जरूरत है। और राज करें उनकी तरह। मैंने अपने दुश्मनों से सीखा है, उनको उनके ही जहर से हिसाब बराबर करूंगा। मैं हर उस इंसान को बाताल से भी ढूंढ निकालूंगा जो तुम्हारा वफादार। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। और तुम? हाँ। शूरी, एक को तो मार दिया मैंने, लेकिन दो मेरे पीछे लगे हुए हैं। रोस, तुम्हें जल्दी मार। मुझे वापस डालो। मैं तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड की मोहलत देता हूँ। एक। अब देख। सुरक्षा कवच 85% कमजोर। आवश्यक हथियार नाकाम। हाथ क्रॉस करो। सोनिक ओवरलोड शुरू। सिस्टम रिबूट हो रहा है। ये मारा। बहुत अच्छे, अब जल्दी निकलो वहां से। तुम मुझे मारोगे मेरी जान? सपनों में जिया है। खूबसूरत है। काल कोठरी में डालने के लिए मेरे पुरखों के साथ जो जहाजों से कूद के मर गए, मेरे परिवार को मुसीबत से बचाया। ये मेरा फर्ज था। बुरा मत मानना, मैं शायद मैं जानता हूं कि तुम अपना मकसद कैसे पूरा कर सकती हो। आपने कहा कि तुम मुझे अमेरिका ले जाने वाले हो घुमाने, तो मुझे लगा तुम हॉलीवुड। जगह है जहाँ बाबा ने हमारे चाचा को मारा था। नहीं, ये नहीं गिराई जाएगी। इस बिल्डिंग यहाँ बनेगा पहला वकांडा अंतरराष्ट्रीय संपर्क। मजाक तो नहीं कर रहे ना? अरे अरे दोस्तों, यहाँ क्या कौन कौन हो तुम? I hate people that feel entitled. Look at me crazy cause I ain't in. That's how you find out who you dealing with. A smart percentage you want. मैं हूं सम्राट टचाला। पहली बार हो रहा है कि वकांडा अपना ज्ञान और अपनी ताकत बिल्कुल भी नहीं। हमारी कोशिश ज्यादा, हमारे आपसी मतभेद, हमारे जब मुश्किलों का सैलाब आता है तो अक्लमंद पुल बनाते, जैसे कि हम सब लोग एक ही। चिढ़ा तो नहीं रहे थे? हाँ, सच बोलो। चलो, भागो भागो। मैं जाऊंगी, मुझे पहले जाना। बाकी अब कैसा लग रहा है? अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। मैं और वो दोनों ट्विंस यहाँ पहुँचेंगे, हम ये कार पीछे छोड़ देंगे। ओके, बाहर बाहर दो लड़कियां हैं और वो शाहकार की बेटियां लगती हैं। एकांत, ये जेम्स है, मेरा वफादार दोस्त। तो लग जाओ छोटे भाई। बस्त के आशीर्वाद से मैं ठीक हूँ। वकांडा कैसा है? यूलिसिस क्लॉ जाने चली गई। वो जानता था वाइब्रेनियम कहाँ छुपाया है। तो तुम मुझसे आंख मिलाकर कहो कि तुमने वकांडा के साथ हो। ज़ूरी, बधू का बेटा। क्या? छोड़ो उसे। तुमने हमसे तू असल में वकांडा वासी है और ये सब हमने यहाँ भेजा है। राजकुमार अंजोबू, आ जाओ। राष्ट्र वकांडा अपने सम्राट टिचाका की मृत्यु पर शोक में डूबा हुआ है। दुनिया के सबसे गरीब देशों में होने के बावजूद पर्वत चोटियों रहा है कि सिंहासन का उत्तराधिकारी बनेगा सम्राट के दोनों बच्चों में से। बस उसे देखते ही फ्रीज मत हो जाना। क्या? देखो जरा, कुछ नहीं, गाड़ी खराब हो गई, स्टार्ट नहीं हो रही। अपनी अपनी जगह। आपको बोला अपनी जगह ले ले। सबको होशियार कर दो। हो यहाँ तुमने मेरा मिशन। मैं चाहता हूँ कि तुम भी वहाँ रहो। इस लड़के को साथ ले जाओ और इसके कबीले तक पहुँचा देना। शुक्र। तुम लोगों ने जो देखा उसे भूल जाओ। हाँ। आ गया। हमेशा ही शानदार लगता है। राजकुमारी, मेरी हमदर्दी आप दोनों के साथ है। शुक्रिया नाथ की तरह। हो गया तुम्हारा मिलने आई? तुम्हें ऐसा लगता है? मैं तो ईएमबी बीच के लिए आई हूँ। मैंने एक अपडेट। तुम मुझे सिखाओगी? तुम खुद क्या जानती हो? तुमसे तो ज्यादा ही। सॉरी माँ। तो आज वो हमारे साथ है और अब वक्त। गुड मॉर्निंग। बहुत खूबसूरत है। ये वाला का और ये वाला बेनिन की। इसके बारे में कुछ बताइए। ओ, ये भी बेनिन से। ब्रिटिश सिपाही इसे उठा ले गए थे, लेकिन ये वकांडा का है और ये बना है। ये बेचने के लिए नहीं है। क्या लगता है तुम्हारे पुरखों को ये कैसे मिला? जब से अंदर आया हूँ तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड्स मुझ पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई है? मदद करो, यहाँ आओ, डॉक्टर बुलाओ प्लीज। मैं जरा अभी आई। किसी को कुछ बताना मत, तभी तो हम नौ सीखे लगेंगे। जितना जल्दी हो सके बेच डालो। ये कब एक जगह है, तुम मत कहना कि ये भी वाइब्रेनियम है। ना बस दिल आ गया। T'Challa, ब्लैक पैंथर, शक्तियां वापस खींच ली जाएंगी पूरी तरह से। पुरखों की जय। साथ अगर कोई कबीला अपना योद्धा मैदान, व्यापारी कबीला, दरिया कबीला परिवार में कोई ऐसा है जो सिंहासन की हाइट है, तो ये सब फटाफट खत्म करके घर नहीं जा सकता। ये कहना पड़ रहा है कि तुम्हारा विज्ञान तुमने एक, और अब तुम लोगों ने इस युवराज को पूरा देश सौंप लिया। बाकू जवारियों का सरदार तुम्हें इतना ही था। ना ताकत ना पंजा। कौन हो? T'Challa, Zuri, महाराज, वकांडा की जय हो। ये जीवन बूटी टिचाका क्या हुआ बेटा, ये सम्राट बनने की तैयारी नहीं की क्या? मेरे कहने का ये मतलब नहीं था बाबा। नाते अगर मैं तुम्हें मेरी मृत्यु के लिए तैयार नहीं कर पाया तो पता ही बिल्कुल आपकी तरह तुम्हें संघर्ष है, और अच्छे इंसान के लिए सम्राट बनना आसान नहीं। समझ लो, समझ लो। सिर्फ एक तो हूँ। रुक जाओ ना। चुका है। इतने लोगों को मेरी जरूरत है, मैं उनसे मुंह नहीं मोड़। क्या मदद कर सकता है? बहुत कुछ कर सकता है। हम दूसरे देशों की तरह नहीं है ना कि और खुद की सुरक्षा दोनों एक साथ ना कर पाए तो ही। देवी बस्त की जय हो। यह अभी और बड़ा होगा क्या? दूसरे देशों की मदद, रेफ्यूजीज के लिए काम। तुम रेफ्यूजीज को अंदर लाओगे। मैं और मेरी फौज चाहिए ताकि तुम दुनिया की। तुम्हें भी हा? आप सोच भी नहीं सकते कि कौन हमारे हाथ लगा है। खबर के मुताबिक यूलिसीज क्लॉ हमारे हाथों से बचता आ रहा है पिछले कुछ 30 सालों से। कांडा को अभी किसी योद्धा की जरूरत नहीं। उन्हें उसने हमसे सब कुछ छीन लिया। मोती यहाँ है वकांडा को संभालने के लिए। मेरी भी एक गुजारिश है, उसे मैं जरूर लाऊंगा किसी भी हाल में। अपने साथ किसे ले जाना चाहोगे? ओकोये। डरो मत, कुछ नहीं होगा। अनलिमिटेड रेंज और हाँ, इसमें मेरी सैंड टेबल के इंटरफेस से डायरेक्टली अपडेटेड। हाँ, तुम्हें मेरी शाही सैंडल्स पसंद नहीं है? पहला दिन है, सोचा थोड़ा। फुल्ली ऑटोमेटिक वो पुरानी। सोचो इसका नाम क्या है, शोरगुल। और बेस्ट टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन ए लेता हूँ। आप जिससे मैं किसी की नजर में ना आ पाऊं। एक्टिवेट करो, मारो कहीं भी। मैंने तुम्हें अपनी लैब में बुलाया और तुमने तोड़ फोड़ मचा दी। तुम्हें इसे थोड़ा और साथ उसे छोड़ते हैं। बहुत बढ़िया मेरे भाई। तुम हो जाए और ये घोंसला मेरे सर से हट जाए। अच्छा तो लग रहा है पिया। कैसा चल रहा है सब? तो डर सता रहा है मुझे कि ये तुम्हारे दोस्त है। शुक्रिया तुम्हारा। फैल जाओ। खरीदार यहीं कहीं होना चाहिए। इतनी डरी हुई क्यों थी? किस बात का डर था उसे? काबू रखिएगा। केनिया की राजकुमारी जी। चाहती तो वही हूँ। एक्सक्यूज मी, मेरे लिए एक ड्रिंक बनाएंगे प्लीज? सावधान। 5 पीछे जो 2 पप्पू खड़े हैं उन्हें कैसे? ये मैं अपनी यूएस गवर्नमेंट को बताऊंगा, तुम्हें नहीं। और तुम जो तमाशा करने आए हो, घूमता रहता है। हिसाब बराबर हो चुका है, शायद तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। अब तुम्हारा यहाँ से 3 की 4। हे, तुम जीत गए। पे लिखा है मरने वाले का नाम। तुम मुझसे कितना भी पूछो, लेकिन मैं तुम्हें ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि मैं वाइब्रेनियम के साथ। मुझे तो लगा था हथियार यहाँ अंदर नहीं ला सकते। हाँ, अंदर लाना सख्त मना। बनके एल्बम निकालने का सोचा है? ओ हाँ हाँ, एक्चुअली सही बात। तुझे लगता है तेरे लिए? हमें घेर लेना चाहिए लोगों। ठहर जाओ, यहाँ गोलीबार। कमाल है यार। इस बार मैं जादूगर हूँ। मजा आ गया। चलो 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 जल्दी से। Remote driving system activated. Wait. कौन सी गाड़ी में है? ए, खा जाओ। कट है। हे ये क्या था? उसकी फिक्र मत उसेगी। ये क्या कर रही हो तुम काला? देखो, तुमने जितनी गोलियां खाई हैं ये उतना ही। कहाँ गया वो? नौटंकी। वो रहा वहाँ। और तेज शुरी। जितनी रफ्तार बढ़ा सकती हूँ बढ़ा रही। Come on guys, चलो यहाँ से। Hello. दुवा। हमारी पूछताछ खत्म हो जाएगी, हम इसे वापस वकांडा ले जाएंगे। क्या? नहीं देखो। उकुबा उपिंडी वाकुकु। मैं अंदर जा रहा हूं, जब मेरा हो जाए। इसे कहते हैं राजनीति। वकांडा वालों का भरोसा मत करना, मैं हूं तेरा असली दोस्त। मैं सिर्फ अपना काम करता हूं, तो मैं तेरे लिए भी ला सकता हूं। क्यों ना तुम अपने सप्लायर का नाम बता दो, मैं उससे ले लूंगा। सही पकड़े हो, आखिर जान दिखावा है। कई अरसे से जगह खोजी जा रही है, एल्डोराडो। विज्ञान का चमत्कार। दरअसल ये देश जिस मिट्टी पर, हाँ, सबसे शक्तिशाली धातु। ये सिर्फ धातु नहीं है, ये लोग उसे मेरा बाजू बंदूक उसके सामने छोटी सी पिचकारी लगता है। तेरी का मैंने तो समुद्र में से बाल्टी भर पानी निकाला है, बस बाहर की दुनिया से मैं ही के पंजे किसके बने। तुम्हारे पिता ने हमें ये बताया था कि बचा वहाँ पीछे कुछ तो गड़बड़। आते आते बहुत देर कर दी हुजूर। भाग गया वो। इसका बच पाना मुश्किल है, गोली सीधे रही। अभी के लिए इससे काम बन जाएगा, चले जाने दो, हम इसे बचा सकते हैं। हम क्लॉ को लाने गए थे, गोली खाई है मेरे लिए, वो इसकी मर्जी थी। तो तुम क्या चाहते? आप सम्राट हैं, आपका काम है अपने देश की सुरक्षा। अच्छी तरह जानता हूँ। आखिर इसे कहाँ ले जाने वाले हैं हम? बहुत मजा आने वाला है। मका भी आया है। क्या बात है दोस्त? हाँ, क्लॉ नहीं दिख रहा, बच निकला। तुमने भी निराश किया मुझे। हर बार CIA कोई बेचते हो? नहीं, जो ज्यादा दाम नहीं है वो तो तुम दे ही दोगे। बस वापस लौटते हुए हमें वकांडा जरूर छोड़ देना। कि लव स्टोरी यही खत्म कर दूंगा। बंदूक नीचे फेंक। अरे तो सच में वकांडा जाना चाहता है। जितने निशान उतनी लाशें। कान जैसा सोच कर गए थे वैसा हुआ नहीं। आज मेरा किसी से सामना हुआ, उसके पास हमसे छीन कर ले गया और उसने यही छल्ला पहना था, मेरे दादाजी का छल्ला। सच तुमसे। क्या हुआ उनके साथ? मैंने सम्राट को वचन दिया था कि चुप रहूं। अमेरिका के एक खुफिया वो उस पर नजर रखने के लिए मेरी पहचान छुपा। जो मुसीबतें आई उन्होंने तुम्हारे चाचा को कारों की लत लगाती जाती है, बात बात पर हमें काल कोठरी में ठूस दिया जाता है। देश का तख्ता पलट सकते हैं और ईमानदारी से उन पर हुकूमत कर सकते हैं। नहीं, उसने वाइब्रेनियम चुराने में क्लॉ की हमारे गुनाहों का फैसला करेगी। और उसने मुझ पर बंदूक को मार डाला। मेरी जान राज रहे। सामने ना आए। तुमने तो डरा दिया मुझे। घुसपैठिए। घुसपैठ? मेरा नाम एवरेट। कोरिया से कब आया? कल। मुझे नहीं लगता, क्योंकि गोलियों के घाव। और नहीं तो क्या? हाँ, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। कच्चे वाइब्रेनियम को इस तेजी के साथ ट्रांसपोर्ट करना। वाइब्रेनियम तो हमारे चारों तरफ है, उसी से तो। सम्राट टिचाला कहाँ है? उनके किमोयो बीच राजमहल की ओर आ रहा है। हमें जल्द से जल्द तुम्हारे भाई को ढूंढना होगा। उन्होंने अपने सगे भाई को मार दिया और बच्चा। कौन सा इंसान ऐसा करता है? गलती किसी से भी हो सकती। चाचा अंजूबू ने तो गद्दारी की, लेकिन जो बाबा ने किया। तुम्हारे बाबा की गलतियां ये तय नहीं कर सकते हो। प्लस से ग्रेजुएशन किया, वहां से MIT चला गया, फिर SEAL बन गया। ये लोग बेहद खतरनाक हैं। इनका न कोई नाम है न कोई पता है, बस इनका। बस हम और कुछ नहीं जानते। कोई बताएगा बात क्या है? मैं तुम्हारे देश में खड़ा हूं। अब बताओ तुम क्या चाहते हो? अच्छा लगता होगा ना? और वो ताकत कौन सी है? वाइब्रेनियम। वकील या जल्लाद बन के दूसरों का इंसाफ करना हमारा काम नहीं है। हूं तो सिर्फ वकांडा का। और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं। हमने बहुत सुन ली इस धोखेबाज की बकवास। ठुकरा दो उसकी मांग और वापस। एजेंट एक हत्यारा जिसका दूसरा नाम है किल मॉन्गर, यही सच्चाई है। ले जाओ इसे। बाबा के सीने में चीते का पंजा पाया। तुम एक सम्राट की संतान नहीं, खूनी की। क्या तुम सच में अंजोबू के बेटे हो? हाय आंटी। और ब्लैक पैंथर की भी। कोई हक नहीं है यहाँ। मुकाबले की तैयारी में कई हफ्ते लग जाएंगे। हफ्ते? टिचाला। आखिरी मौका दे रहा हूं। सभी से दिन की तो और मैंने अपने भाई और बहनों को भी जान से मार दिया। तुम्हारे पिता की मौत का जिम्मेदार ये नहीं। ये तुम्हारी रक्षा करेगा। राजमाता और शूरी दोनों सुरक्षित हैं। नहीं आ सकती। तुम अपना देश ऐसे इंसान के हाथों में कैसे? तुम वकांडा की सबसे महान और किया। मैं कोई किराए की जासूस नहीं जो हमारी वफादारी किसके साथ है अपने देश की नहीं। मैं रक्षा करूंगी अपने देश की। क्या हुआ? सम्राट मर चुके हैं। पहले बाबा भी नहीं पाए। दोस्त है, इसने मेरी जान बचाई थी। ओ कोई कहा है? यही रुकिए। जीवन बूटी तुम्हें ब्लैक पैंथर की शक्ति याद देगी। मैंने तुम्हें एक चाबी दी थी कि शायद कभी तुम्हारे काम आए, कि तुम्हारे लिए वो दरवाजे खुले। यहाँ तो रोज की बात है। पहले तुम्हें वापस ले जाना चाहिए था। शायद आपके अपने ही लोग कहीं खो गए हैं। सांस लीजिए। ये इसी जीवन बूटी का असर है। आग लगा दो इस पूरे बगीचे को। सम्राट हम ऐसा हम लोगों के पास हथियार थे न अपने दुश्मनों से लड़ने की ताकत। ये कहानी आज खत्म हो जाएगी। हमारे जासूस दुनिया के हर देश में ये वाइब्रेनियम के हथियार हम अपने वॉर डॉग्स को भेजेंगे। वो पूरी दुनिया करे। अब वो जानेंगे कि हम क्या हैं। हम योद्धा साम्राज्य का। सदियों से वकांडा का वजूद कायम है, लेकिन अब जमाना बदल रहा है। जनरल सभासदों और मैं मालिक बन के रहना। अरे हम जीवन बूटी लेकर जबारी राज्य जा रहे हैं। जीवन बूटी फौज भी नहीं है। मैं इसकी हिफाजत नहीं कर सकती। अरे यार शांत रहिए। था? हाँ पर तो फिर उसे हत्या नहीं हार कहते। हमारे घाव को कुरेदने का इतना ही कर सकता। दोबारा मुंह खोला तो मैं तेरी बोटियां। ये है हमारे आने की वजह। ये नामुमकिन है। एक मछुआरे को ये बेहोशी की हालत में नदी किनारे मिला और वो उसे 2 सेकंड में मर जाएगा। ना किया ईश्वर को आवाज देती हूँ कि मेरी बेटी टीचर। अमाकू अमाकू अमा। बेटे कि तुम घर लौट आओ और हम एक साथ मिलकर रहें। क्यों बाबा? वो मैंने अपने लोगों को चुना। वकांडा पूरी दुनिया की तरफ पीट करके खड़े हो गए और नहीं पर है। मैं चैन से नहीं बैठ सकता। वो गलत को सही करना जरूरी है। किसी के पास रजाई है? जीवन बूटी का पूरा बगीचा जला डाला। जब सरकारें बदल रही होती जैसे चुनावों में या किसी सम्राट के मर जाने पर सरकार वो हमारे हथियार पूरी दुनिया में बांट देंगे। टिचाला हम कहीं नहीं जाएंगे। वकांडा मिलाकर उसका साथ दूंगी मेरे भाई। हो गया तुम्हारा। जान के बदले जान, कर्ज उतर गया। मुझे तुम्हारी सेना की भी जरूरत पड़ेगी। हाँ पड़ेगी तो जरूर। हम सब का मकसद है। हम सब का? सम्राटों की बात नहीं कर सकता, लेकिन फिलहाल एक दुश्मन हमला कहां बोलेगा। और हांगकांग में बिल्कुल तैयार है। पहले वही हम की पकड़ से बाहर। ऐसी हजारों हैं हमारे पास। कैसे हो? मैंने अब तक हार नहीं मानी। जल्दी जहाज उड़ाओ, मिशन शुरू करो। चलो अभी खत्म नहीं हुआ। तुम्हारा दिल नफरत से भरा है। तुम सम्राट बनने के लायक। व'काबी ऐसे बंद करो। पायलट थी, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें गाइड करती रहूंगी। ये बिल्कुल हवाई मोटरसाइकिल। आ जाओ। Remote piloting system active. फिक्र मत करो। नेकलेस निकालो। नेकलेस निकालो। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। देखो ललाट नहीं बन सकते। शूरी समझ गई। तुम्हें मारने के लिए मुझे सूट की जरूरत है और राज करें उनकी तरह। मैंने अपने दुश्मनों से सीखा है, उनको उनके ही जहर से हिसाब बराबर करूंगा। मैं हर उस इंसान को बाताल से भी ढूंढ निकालूंगा जो तुम्हारा वफादार। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। और तुम? हाँ। शूरी, एक को तो मार दिया मैंने, लेकिन दो मेरे पीछे लगे हुए हैं। रोस, तुम्हें जल्दी मार। मुझे वापस डालो। मैं तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड की मोहलत देता हूँ। एक अब देख। सुरक्षा कवच 85% कमजोर। आवश्यक हथियार नाकाम। क्रॉस करो।